हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं अमरोहा की फेमस रहू फिश। तो ये मेरी 2 किलो रहू फिश है और इसमें क्या क्या चीज डलेगी, तो ये गरम मसाला है पिसा हुआ और नमक, मिर्चे, हल्दी और बेसन, धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, चलिए हम इसको फिश को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून जो है हम इसमें ये बेसन ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिल्ली और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ये गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हम फिर जो हमारे फिश के पीसेस हैं इसमें हम मसाले में ऐसे कोट कर देते हैं इसे। ऐसे ही सब पीसेस को हम मसाले में कोट कर देंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से मछली धो के ना और इसको नींबू से मैंने 15 से 20 मिनट के लिए नींबू को ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको दोबारा धोया है, तो आप भी ऐसे ही करें। चलिए सब पीसेस को मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारे पीसेस सब इसमें मसाले में अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसको 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं ऐसे, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसका मसाला भूनूंगी अलग से, फिर इसमें मसाले में इसको पीसेस को ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं मैरिनेट के लिए। देखिए गाइस, ये हमारा 1 से 1.5 घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए इस फिश को। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चलिए हम फ्राई करते हैं। फ्राई कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसको पीसेस को निकाल लेते हैं। हम इसी तरह से सब पीसेस को ऐसे ही फ्राई गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसी को भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमारी फिश फ्राई हो गई है। अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। चलिए हम मसाला तैयार करते हैं। देखिए गाइस, मैं अब इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो मुझे मसाले के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक मीडियम साइज की एक प्याज ले ली है और ये नारियल का बुरादा है और ये धनिया, नमक, गरम मसाला, मिर्चे और हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट और 250 ग्राम हमारा दही है और 4 से 5 मैंने ये प्याजे हैं जो पीस ली हैं और ये गरम मसाला है, 2 तेज़पत्ता है, दालचीनी और 4 इलायची हैं और जीरा और ये मेथी दाना। ठीक है, चलिए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए गाइस, जिस तेल में मैंने फ्राई की थी
फिश उसी तेल को मुझे यूज करना है, तो मैं मसाला इसी में ही बनाऊंगी। तो ये मैं एक बड़ा सा आप बर्तन ले लीजिए, उसी में मैं मसाला तैयार करूंगी इसमें। तो ये मैंने इसमें ये एक मीडियम साइज की प्याज थी, इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, और ये जो मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज हैं तो मैंने इनको पीस लिया था, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 3 टीस्पून, और 2 टीस्पून जो है इसमें रेड चिल्ली, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। साथ ही ये 2 तेज पत्ता है, दालचीनी, 4 इलायची, लौंग, और ये जीरा, मेथी दाना है वो भी हाफ टेबल स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसाले को पकने देते हैं। थोड़ा इसमें पानी ऐड करते हैं, इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करके 10 से 15 मिनट इसको और पकाते हैं, तो हमारे अच्छे से मसाले इसके पक जाए। चलिए देखिए गाइस, हमारा मसाला अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ये नारियल का बुरादा, और ये दही जो मैंने 250 ग्राम ही हमारा दही था, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसको अच्छे से हम इसको भूनेंगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट और भूनेंगे हम इसे। फिर हम इसको जो तो हमने फ्राई किए हुए हैं हमारे पीसेस गोश्त में ऐड करेंगे। चलिए अच्छे से हम भून लेते हैं पहले इसे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने पानी ऐड किया है, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पीसेस ऐड करती हूँ, एक करती सब पीस इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें देखिए गाइस, इसको खुले बर्तन में ही बनाइए, ये फिर टूट नहीं जाएगी, ठीक है। साथ में हम इसमें गरम मसाला है 1 टीस्पून वो उसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से पकने देते हैं। इसको चलाना नहीं है, बस हिला हिला के इसको नीचे से लगे नहीं। देखिए गाइस, हमारी फिश तैयार हो गई है, इसको हमें चलाना नहीं है, ऐसे ही हिला दीजिए भगोने को। देखिए ठीक है, हमारी फिश तैयार है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी,
और एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बाय बाय, सी यू।